और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का प्रदेश का क्या करेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, नाचनिया बदनियम का बात। उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसको लेकर विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर आजकल बीजेपी पर ज्यादा ही हमलावर है। आए दिन उनके विवादित बयान सामने आते हैं। दरअसल ओपी राजभर ने बलिया के रसड़ा में बीजेपी नेता और भोजपुरी कलाकार निरहुआ को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। बलिया में ओपी राजभर ने बीजेपी नेताओं और भोजपुरी कलाकार को नचनिया कह दिया। दरअसल बलिया के महतवार में चौहान सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने निरहुआ के एक वायरल वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा था, बीजेपी के साथ रहने वाला एक नेता भगवान राम को ही बता दिया कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। इस पर तो देश में बवाल हो जाना चाहिए। और जहां तक निरहुआ का सवाल है तो वो नचनिया बजनिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला एक नेता भगवान राम को ही ऐसा बता दिया कि देश में बवाल हो जाना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए, गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। कहा कि दशरथ के पुत्र ही भगवान राम नहीं थे, क्या बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया? और जहां तक निरहुआ का सवाल है, नाचनिया बदनियम का बात करते हैं। हालांकि इससे पहले निरहुआ ने एक वीडियो पोस्ट कर अखिलेश यादव पर तंज कसा था। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं। और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का प्रदेश का क्या करेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है। निरहुआ के इस विवादित बयान के बाद ओपी राजभर कहां चुप बैठ पाते, तो उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के MLCओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। 2017 से जो MLC ज्वाइन किए हैं बीजेपी, 2017 से वो गायब, वो मौके की तलाश में थे कि कहाँ जुगाड़ हमारे सेट हुई। तो वो जुगाड़ सेट करने गए हैं, MLC जो चुने गए हैं वो पुराने प्रधान लोग चुने, नए प्रधान नहीं, उसमें 90% बदल गए। भारतीय जनता पार्टी ये हताशा और निराशा, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इस नाते दूसरे पार्टियों से वो रिजेक्टेड नट बोल्ट जो नहीं होता है तो उसको जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जो कसेंगे तो वो बोल्ट टिक देगा फाट करके। खैर, हमने तो आपको राजभर और निरहुआ के बीच हुई बयानबाजी को सुनवा दिया, लेकिन ये चुनावी माहौल है, ऐसे मामले आते रहेंगे। लेकिन आप अपने सूझबूझ से ही सरकार का चयन करें। बलिया से जनहित टाइम्स के लिए सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट।